Good morning, student. How are you? I hope all are fine. So, today we have read chapter number 19 in the name of the topic is morning. So, आज हम कौन सा बारे पढ़ेंगे? Morning के बारे में पढ़ेंगे. Have you seen morning? आप morning देखे हो? Yes. जितने जो सब morning देखे हो कि नहीं? तो आज हम कौन सा बारे में पढ़ेंगे कि morning के बारे में पढ़ेंगे. So, everyone of you most have been to market. तो हमें क्या सबको मार्केट जा रहे कि नहीं? You all know that we need money to buy things. तो हमको क्या चाहिए? मनी चाहिए. क्यों मनी चाहिए? कुछ चीज खरीदने के लिए हमें मनी चाहिए. We use money in the form of coins and notes. तो हम मनी को दो टो फॉर्म में हम यूज कर सकते. One is coin, another one is notes. We use money in the form of coins and notes. Money को हम दो टो फॉर्म में यूज कर सकते. First one is coins. तो देखो, dear students, open your book page number 141. देखो, यहाँ पे कुछ coins दिया गया है, like 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपीज, 10 रुपीज, और सब कॉइन आप देखे हो कि नहीं? 5 पैसा आप नहीं दिखे होंगे, शायद आपका पापा मम्मी ने दिखे हो. आप तो 1 रुपी दिखे हो, 1 रुपीज का कॉइन भी दिखे हो, 2 रुपीज का कॉइन भी दिखे हो, 5 रुपीज का भी कॉइन दिखे हो, 10 रुपीज का भी कॉइन दिखे हो. सो मनी, हमें जो मनी का यूज को हम दो फॉर्म में यूज कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज कॉइन्स. देखो, 25 पैसा कॉइन्स मेक के 1 रुपी मींस. देखो, फर्स्ट वन इज 25 पैसा कॉइन्स मेक के मेक 1 रुपी मींस. जब हम 25 पैसा के कॉइन लेंगे, मिलाने के बाद वो कितना रुपीज हुआ कि 1 रुपीज हुआ. देखो, यहाँ पे 25 है, 5 पैसा कॉइन है कि नहीं? जब हम 5 पैसा कॉइन 25 लेंगे, मिलाने के बाद वो कितना रुपीज होगा कि 1 रुपीज होगा. देन 10 पैसा कॉइन मेक 1 रुपए. जब हम 10 और 10 पैसा का कॉइन्स लेंगे, वो मिलाने के बाद कितना रुपी होगा कि 1 रुपी होगा. देखो, वो है 10 पैसा का, इसे 10 पैसा का हम कितने ठो लेंगे? 10 ठो लेंगे. यहाँ पे कितने 10 पैसा का कॉइन है? 10 का काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ पे मैं 10 पैसा का कॉइन कितने ठो लिया होंगे? 10 ठो ली हूँ, 10 ली हूँ. जब और 10 ठो 10 पैसा कॉइन हम मिला लेंगे, वो कितना रुपीज होगा कि 1 रुपी होगा. पता चल गया? Then 5 20 paisa coin makes 1 rupee. जब आप 20 ठो पैसा कॉइन कितने ठो लेगी कि 5 ठो लोगे, वो मिलाने के बाद कितना रुपी होगा कि 1 रुपी. देखो, 20 पैसा कॉइन प्लस 20 पैसा कॉइन प्लस 20 पैसा कॉइन प्लस 20 पैसा कॉइन प्लस 20 पैसा कॉइन. अभी ऐड करो. देखो, 5 20 पैसा कॉइन मेक्स 1 रुपी. जब आप 5 और 20 पैसा कॉइन लोगे, वो मिलाने के बाद कितना रुपी होगा कि 1 रुपी होगा.
देन फॉर 25 पैसा कॉइन्स मेक 1 रुपए। जब यहाँ पे आप 25 पैसा 4 ठोलोगे मिलाने के बाद कितना रुपये होगा कि 1 रुपये होगा। देखो 25 पैसा प्लस 25 पैसा प्लस 25 पैसा प्लस 25 पैसा प्लस 4 ठो हो गया। देखो 1 2 3 4 देखो जब आप 25 पैसा 4 ठो लेंगे तो मिलाने के बाद कितना होगा कि 1 रुपये। ये सुनो, देन अनदर वन थिंग, 250 पैसा कॉइन्स मेक 1 रुपये। जब आप 2 50 पैसा कॉइन लेने, देखो वो है 50 पैसा कॉइन है कि नहीं, इधर 50 लिखा वो 50 पैसा है। जब आप 2 50 पैसा कॉइन लोगे मिलाने के बाद कितना रुपये होगा कि 1 रुपये। देखो 50 पैसा प्लस 50 पैसा, इधर मैं कितने 50 पैसा कॉइन ली हूँ, 2 ली हो ना, मिलाने के बाद कितना रुपये होगा कि 1 रुपये होगा। हो गया, देखो कॉइन को हम कैसे यूज करेंगे पता चल गया। मीन्स जब हम 2 50 पैसा कॉइन्स लेंगे तो वो मिलाने के बाद 1 रुपये होगा। जब हम 4 25 पैसे का कॉइन्स लेंगे मिलाने के बाद कितना रुपीज होगा, 1 रुपीज होगा। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको आपको याद रखना पड़ेगा, वो सब क्वेश्चन में आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक में आ सकती है। सेकेंड वन इज नोट्स, हम मनी को हम 2 फॉर्म में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कॉइन, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। सेकेंड वन इज नोट्स। देखो आप 1 रुपये का नोट्स दिखे हो कि नहीं, अपना पापा मम्मी को बोलो, उनके पास शायद है, आपको दिखा देंगे। देखो 1 रुपीज का नोट, 2 रुपीज का नोट, देन 5 रुपीज का नोट, 10 रुपीज का रुपीज का नोट, आप 10 रुपीज नोट दिखे हो, देन 20 रुपीज का हो है नोट, 50 रुपीज का नोट, 100 रुपीज का नोट, 200 रुपीज का नोट, 500 रुपीज का नोट, देन 2000 रुपीज का भी नोट है, आप वो सब दिखे। आई होप आप 1 रुपीज 2 रुपीज 5 रुपीज का नोट नहीं दिखे हो, बट 10 से लेके 2000 रुपीज तक आप दिखे हो। 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, 5 रुपीज नोट, तो आप 50 रुपी नोट ओसो आप दिखे। देन सिंबल ऑफ रुपीज एंड पैसा, सिंबल ऑफ रुपी, तो रुपीज का सिंबल क्या है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ रुपीज। The symbol of rupees equal to like this. पता चल गया, ओ है रुपीज का सिंबल। तो कैसे लिखोगे, पहले आप 2 लिखोगे, उसके बाद ऊपर से अगर बीच में गार्डन है, ओ ही है रुपीज का सिंबल। तो सपोज मैं इधर लिखी हूँ 1 रुपये, देखो 1 रुपये, तो 1 रुपये को हम कैसे सिंबल में लिखेंगे, कैसे सिंबल में लिखेंगे। तो पहले आपको रुपीज का सिंबल लेना है, उसके बाद 1 लिखना है। सो 1 रुपी इज रिटन एज लाइक दिस, देखो 1 रुपी, तो पहले आपको रुपीज का सिंबल लेना है, आपको रुपीज का सिंबल पता है ना, वो है रुपीज का सिंबल, पहले आपको रुपीज का सिंबल लेना है, उसके बाद 1 लिखना है, अनदर 1। देन मैं लिखूंगी 5 रुपीज, तो 5 रुपीज को कैसे हम सिंबल में लिख सकते, कैसे लिख सकते, पहले आप को क्या लिखें, पहले हमें रुपीज का सिंबल लेंगे, तो रुपीज का सिंबल लिखो, देन उसके बाद 5, क्योंकि यहाँ पे 5 रुपीज है। जब 5 रुपीज को हम कैसे लिखेंगे, पहले रुपीज का सिंबल, उसके बाद हम 5 लिखेंगे।
इधर मैं लिखी हूँ 50 रुपए। कैसे हम सिंबल के लिए लिख सकते हैं? पहले आपको क्या करना है, पहले आपको रुपीज का सिंबल लिखना है, उसके बाद 50 रुपीज। तो पहले रुपीज का सिंबल, देन 50 हम लिखेंगे। तो आपको रुपीज का सिंबल पता चल गया, देन सिंबल ऑफ पैसा। तो पैसा का सिंबल क्या है? देखो, द सिंबल ऑफ पैसा इज पैसा का सिंबल क्या है? पी है। सपोज मैं इधर लिखूंगी 25 पैसा, तो आप कैसे लिख सकते? सो 25 पैसा इज ऑल्सो रिटन एज 25 पी। पैसा के प्लेस में हम पी लिखेंगे, क्योंकि पैसा का सिंबल क्या है? पी है। देन अनदर वन 65 पैसा, तो हम कैसे लिख सकते? बताओ मुझे 65 पी। और सपोज मैं इधर लिखूंगी 35 पैसा, तो 35 पैसा आप कैसे इसको लिख सकते हैं? पहले आपको क्या लिखना है? जितना लिखना है फर्स्ट 35 लिखे, तो पैसा का सिंबल क्या है? पी। 35 पी, 35 पी मीन्स 35 पैसा। तो आपको रुपीज और सिंबल का सॉरी रुपीज और पैसा का सिंबल पता चल गया। तो रुपीज का सिंबल क्या है, जो कि इंडियन करेंसी सिंबल है रुपीज का, एंड पैसा का सिंबल है। Dear students, open your book 143, page number 143. Write the value of the following combination of coins. So first one is, देखो इधर कितना coins लिखा है, 25 means 25 पैसा plus 10 पैसा plus 5 पैसा। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे तीनों पैसा गिवन है, 3 पैसा गिवन है, 1 is 25 पैसा सॉरी 20 पैसा, सेकेंड वन इज 10 पैसा, थर्ड वन इज 5 पैसा। यहाँ पे जो तीनों पैसा को आपको ऐड करने ऐड करके लिखना है। देखो रखना है आपको 20 प्लस 10 प्लस 5। देखो 20 पैसा प्लस 10 पैसा प्लस 5 पैसा, तो ऐड कर 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, उस बाद 5 के साथ ऐड करो कितना है 5, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो कितना पैसा होगा 35 पैसा। ऐसे ही आपको ऐड करके लिखना है। राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइंस। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइंस मीन्स उसके बीच में कौन सा सिंबल दिया गया है, प्लस सिंबल दिया गया है। सेकंड वन इज 50 पैसा प्लस 25 पैसा प्लस 10 पैसा। अभी ऐड करो कितना होगा, 50 पैसा के साथ पहले 25 पैसा को ऐड करो, 50 पैसा प्लस 25 पैसा ऐड करो तो कितना है 75 पैसा है। 75 पैसा के साथ आपको इधर 10 पैसा को ऐड करना है, जो कि है 85 पैसा। आपको एडिशन आता है ना, 2 डिजिट नंबर का एडिशन। एडिशन करने के बाद यहाँ पे पी लिखा है, तो पी को आपको लिख देना है, ऐसे ही आपको ऐड करना है। ओपन योर बुक पेज नंबर 141। देखो शॉपिंग, लुक एट द प्राइस ऑफ द आर्टिकल सोन मिला। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दिया गया है, उसके नीचे उसका प्राइस भी दिया गया है। देखो मफिन वो कितना है, 6 रुपीज है। कोल्ड ड्रिंक्स 10 रुपीज, चॉकलेट 8 रुपीज,
मार्कर पेन 5 रुपीज, बेलून 1 रुपीज, कम 4 रुपीज, टफी 2 रुपीज, काइट 3 रुपीज। तो यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स का प्राइस भी गिवन है। तो नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। रवि बॉट 1 चॉकलेट 1 कप एंड 1 मफिन, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड। देखो रवि क्या क्या खरीदा है, 1 चॉकलेट खरीदा है, 1 कप खरीदा है और 1 मफिन खरीदा है। वो 3 आर्टिकल्स खरीदा है ना, 1 चॉकलेट 1 कप एंड 1 मफिन, वो जो उनके लिए कितना पैसा और कितना रुपए जो स्पेंड करेगा, कितना रुपए जो खर्चा करेगा। देखो यहाँ पे देखो 1 चॉकलेट, चॉकलेट का कितना रुपीज है, 8 रुपीज लिखो। तो 1 चॉकलेट इक्वल टू कितना रुपीज, 8 रुपीज। देन 1 कप, देखो यहाँ पर कप कितना रुपीज है, 4 रुपीज है। 1 कप इक्वल टू 4 रुपीज। देन 1 मफिन, तो 1 मफिन वो कितना रुपीज है, देखो 6 रुपीज है। तो यहाँ पे तीनों आर्टिकल जो खरीदा है उनके लिए कितना पैसा स्पेंड करेगा, कितना पैसा खर्चा करेगा। जब वो कितना पैसा टोटल मीन्स उधर आपको क्या करना है, एडिशन करना है। सी स्पेंड मनी 8 रुपीज प्लस 4 रुपीज प्लस 6 रुपीज, मीन्स तीनों आर्टिकल का प्राइस को आपको यहाँ पे ऐड करके लिखना है। अभी ऐड करा, पहले आपको क्या करना था, नंबर के साथ नंबर को ऐड करना है। तो 8 को पहले 4 के साथ ऐड करो, जब 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो 12 मिला है। 12 को फिर से 6 के साथ आपको ऐड करना है, जो कि है 18। तो कितना रुपीज स्पेंड करेगा, 18 रुपीज स्पेंड करेगा, पता चल गया। देखो सेकेंड क्वेश्चन, सोलर ब्रॉट 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 मार्कर पेन एंड 1 बैलून, हाउ मच मनी डिड सी स्पेंड। वो क्या है कि सोलर ने 1 कोल्ड ड्रिंक खरीदा है, 1 मार्कर पेन खरीदा है और 1 बैलून भी खरीदा है। वहीं पे वो तीनों चीज खरीदा है, उन तीनों चीज के लिए वो कितना पैसा खर्चा करेगा, स्पेंड करेगा। तो कोल्ड ड्रिंक्स कितना रुपीज का है, 10 रुपीज का है। मार्कर पेन कितना रुपीज का है, 5 रुपीज का है। देखो यहाँ पे दिया गया है, गिवन है वो, मार्कर रुपीज का कॉस्ट कितना है, 5 रुपीज है। और 1 बैलून वो कितना रुपीज है, 1 रुपीज। उन और तीनों चीज के लिए वो कितना रुपीज स्पेंड करा है, तो इन तीनों रुपीज को हम क्या करना है, इधर एडिशन करना है। ऐसे ही आपको एडिशन करना है, जो कि तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तुम क्या करना है कि अच्छे से इधर जो क्वेश्चन दिया गया है अच्छे से करना है। थैंक यू।